प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वाले वीडियो में भी जो हमारी जो सेंटेंस है उसकी जो स्ट्रक्चर है उस पर चर्चा की थी। हमारा पिछला वाला वीडियो है उसी का ही ये दूसरा पार्ट है। हमने पिछले वाले वीडियो में भी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर थी उस पर हमने चर्चा की थी कि सेंटेंस क्या है और कैसे सेंटेंस बनता है। तो पिछले वाले वीडियो में जो हमने अपने जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, अपने जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस दो होते हैं, एक अफर्मेटिव जिसे हम सामान्य भाषा में पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं और दूसरा नेगेटिव। तो हमने उन दो सेंटेंस पे चर्चा की थी कि उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, वो कैसे बनते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कि वो कैसे बनते हैं, इसके अलावा इंपेरेटिव कि वो किस प्रकार से बनेंगे, उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके अलावा ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, और इसके अलावा हम एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम चार प्रकार के जो सेंटेंस हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम वन बाय वन सभी की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम इंटरोगेटिव जो हमारे सेंटेंस हैं उन पर हम चर्चा करते हैं कि वो कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस उनकी चर्चा कैसे करते हैं। अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो तो दो प्रकार के होते हैं, एक जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं और एक जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टेड, एक हो गया डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टेड। तो थोड़ी सी हम डब्ल्यू एच वर्ड पे चर्चा कर लेते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, हम इधर लिख लेते हैं। देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड इंग्लिश में बहुत सारे हो सकते हैं। व्हाट जिसका अर्थ होता है क्या, व्हाई क्यों, वैन कब, वेयर कहाँ, हुम किसे, हुज किसका या किसकी, विच का भी सेम अर्थ होता है, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने संख्या में, कितने संख्या में, हाउ मच कितना मात्रा में, कितना मात्रा में। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं हमारे, जिनमें सबसे पहले डब्ल्यू एच आता है, तो उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, और हिंदी में इन्हें से हम इन्हें प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में हम इन्हें प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। कौन से शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, और इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स हम कहते हैं। तो एक बार इन्हें आप अच्छे से देख लें कि डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं या प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं। व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, वेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, हुम यानी किसे, हुज यानी किसका या किसकी, विच का भी सेम अर्थ होता है, हाउ यानी कैसे, हाउ मैनी, हाउ मच, ये दोनों एक संख्या में होता है और एक मात्रा में हमारा होता है। तो ये देखिए, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसके नाम से पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न कोई भी व्यक्ति हमसे दो प्रकार से पूछ सकता है, एक ऐसा प्रश्न पूछ सकता है जिसका वो जवाब केवल हाँ और ना में चाहता है, ऐसा पर्सन जिसका जवाब व्यक्ति केवल हाँ या ना में चाहता है, और एक ऐसा पर्सन जिसमें व्यक्ति कोई जानकारी हमसे चाहता है। तो देखिए, जिसमें कोई व्यक्ति हमसे जानकारी चाहता है उन्हें डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे एक वाक्य हमारा हिंदी का हो गया, तुम विद्यालय में क्या पढ़ते हो, तुम विद्यालय में क्या पढ़ते हो। तो ये देखिए, हमारा एक प्रश्नवाचक शब्द इसमें है, एक डब्ल्यू एच वर्ड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वो यहाँ पे है। तो क्योंकि ये एक जानकारी पूछी है, एक वो वस्तु या कोई सब्जेक्ट पूछा है कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो हमें बताना है। तो देखिए, इसका इंग्लिश बनाते हैं। तो अभी हमने देखा क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट, क्या कहते हैं, व्हाट।
उसके बाद में अभी मैं एक बार आपको सेंटेंस बता देता हूँ, फिर इसकी स्ट्रक्चर पे हम चर्चा कर लेंगे। डू आ गया, उसके बाद में यू आ गया, उसके बाद में स्टडी अध्ययन करना, इन द स्कूल, और हमने लास्ट में एक मार्क ऑफ इंटरोगेशन, मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी हिंदी में जैसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसे इंग्लिश में हम मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, वो आ गया। तो सबसे पहले क्या आया, एक डब्ल्यू एच वर्ड आया, क्योंकि अगला व्यक्ति जोर ही इसी पर देना चाहता है, वो इसी को एम्फेसाइज करना चाहता है कि क्या क्या पढ़ते हो, तो इसलिए वो सब सबसे पहले आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा तो हमारे इसकी स्ट्रक्चर दिमाग में आ चुकी होगी कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो हम इसकी स्ट्रक्चर को फिर से एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच वर्ड्स, उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी मैन वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी कोई अन्य जानकारी अगर है तो आएगी, और इसके बाद हमें एक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। एक बार हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या आएगा, एक डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही बताई है, हर सेंटेंस की अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, और हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होने के साथ साथ हर टेंस में सिंगुलर और प्लूरल के साथ भी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। सब्जेक्ट के दो रूप हो सकते हैं, वो सिंगुलर हो सकता है या वो प्लूरल हो सकता है। मैन वर्ब अलग अलग फॉर्म में होती है, अलग अलग टेंसों में इसकी फॉर्म अलग अलग होगी। फिर आएगा देखिए ऑब्जेक्ट, जिस पे काम का प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अन्य जानकारी कोई है तो हम लिख देंगे, और उसके बाद में हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लगा देंगे। ये देखिए ये हमारी स्ट्रक्चर होगी, डब्ल्यू एच वर्ड्स जो वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनकी स्ट्रक्चर होगी। अब देखिए हम ये कह सकते हैं वाई, वाई यानी क्यों, ये हेल्पिंग वर्ब देखिए, आर यहाँ देखिए सब्जेक्ट, यू, बाई, बाई मीन खरीदना, मैन वर्ब, दीज फ्रूट्स टुडे, ये हमारे समय से संबंधित कोई अन्य जानकारी होगी इसलिए टुडे। व्हाई आर यू बाइंग दीज फ्रूट्स टुडे, आप इन फलों को आज क्यों खरीद रहे हैं, आप इन फलों को आज क्यों खरीद रहे हैं, क्या कारण है कि आज आप फल खरीद रहे हैं, वाक्य में कोई जानकारी लेना चाहता कि कारण बताइए मुझे कि जिस वजह से आप फल खरीद रहे हैं। तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में मैन वर्ब, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमारी अन्य कोई जानकारी है, और उसके बाद में लास्ट में हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा लग जाएगा। और देखिए एक सेंटेंस, व्हेन हैव या व्हेन से हमने करके What have you been doing since 2015? ये देखिए What have you been doing since 2015? आप 2015 से क्या कर रहे हैं? डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आ गया हमारा, हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो सबसे पहले आ गया। उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की है, एक शब्द है हैव और एक है बीन, हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ये मैन वर्ड है और ये सबॉर्डिनेट वर्ड है, दो शब्दों की मिली हुई है। अब देखिए यहाँ दोनों हैव बीन एक जगह नहीं आए हैं, बीन वाला जो शब्द वो इधर ही रह गया है, केवल इधर हैव ही आया है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा शब्दों की हो, दो की हो या तीन की हो, तो सब्जेक्ट के पहले केवल जो मैन उसका जो शब्द है वही आएगा। तो ये देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारी मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है नहीं, और अन्य जानकारी जो हमारी थी सिंस 2015 और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो ये हमारी हो सकती है। उसके बाद में देखिए हम और इसमें ऐसी ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं की बजाय, सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड की बजाय वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब अगला व्यक्ति हमसे किसी जानकारी के लिए नहीं, केवल हमारी हाँ और ना जानना चाहता है, क्या हम ऐसा करेंगे या ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, केवल यही जानना चाहता है। जैसे मान लीजिए हम एक स्कूल के नजदीक खड़े हैं और उधर से कोई राहगीर गुजरता है और वो ये जानना चाहता है कि क्या हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो हमसे क्या पूछेगा,
डू यू रीड इन दिस स्कूल, डू यू रीड इन दिस स्कूल। तो ये देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्या आई हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमारी जो एच वी है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ गई। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ गया जो यू है, उसके बाद हमारी मैन वर्ब एम वी आ गई। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अन्य जानकारी जिसको हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं अदर्स, वो देखिए इसमें आ गई। और हमने लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। डू यू रीड इन दिस स्कूल, क्या आप इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारी मैन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो कि इसमें नहीं है, अगर होता तो यहाँ आ जाता इन दिस स्कूल, ये हमारा अन्य जानकारी हो गई। तो अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जब भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला कोई सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसकी लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे मैन वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अन्य कोई जानकारी अगर है तो लिख देंगे, और लास्ट में हम एक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। जैसे इस समय हम इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हैं, कोई हमसे ये पूछना चाहता है कि क्या हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, या कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या आपने मेरे वीडियो को पसंद किया, क्या आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, क्या आपने मेरे वीडियो को शेयर किया, या मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब किया। तो देखिए हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया। तो ये देखिए हैव, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, किया है ये, क्योंकि थर्ड टेंस है और थर्ड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसकी हैज साइक्रिया होती है, हैज हैव, जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट देखिए यू हैव यू, फिर मैन वर्ब हमारी देखिए सब्सक्राइब्ड, या क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी इस टेंस में, माई वीडियो टुडे, जैसे मान लीजिए कि अन्य जानकारी इसमें अभी है नहीं, जैसे आज ऐसे मान लो इसमें दे रखी हो टुडे, तो हम ये लगा देंगे। और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हमने लगा दिया, हैव यू सब्सक्राइब्ड माई वीडियो टुडे, क्या आज आप मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब किया, मैं जानना चाहता हूँ केवल हाँ या ना। तो ये हमारा ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इंपेरेटिव जो सेंटेंस हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जहाँ किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, किसी व्यक्ति से कोई प्रार्थना की जाती है, या किसी व्यक्ति को सुझाव दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो हम उसे क्या कहेंगे, शट द डोर, हम क्या कहेंगे, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कीजिए, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कीजिए। या हम ऐसा कह सकते हैं प्लीज़ ब्रिंग वॉचर, प्लीज़ ब्रिंग वॉचर, कृपया पानी लाइए। हमने यहाँ पे किसी को आदेश दिया कि दरवाज़ा बंद कीजिए, हमने यहाँ पे किसी से प्रार्थना की कृपया पानी लाइए। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर किसी को निवेदन किया जाता है या किसी से आदेश दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे पहले जो पहचान होती है उसमें होती है कि सबसे पहले वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब। और वर्ब किस फॉर्म में होती है, बेस फॉर्म में होती है, हम इसको मैन वर्ब भी बोल सकते हैं। तो ये वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अन्य जानकारी, उसके बाद में अन्य जानकारी, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए जैसे रिंग द बेल नाउ, रिंग द बेल नाउ, रिंग यानी बजाइए, ये हमारी वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट क्या बजाइए, घंटी को, अन्य जानकारी का नाउ, अब घंटी को बजा दीजिए, अब घंटी को बजा दीजिए। जिस प्रकार से हो गया कि सी द मूवी, यहाँ वॉच भी आ सकता है, सी द मूवी, फिल्म देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। तो सी क्या होगी, वर्ब होगी, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है ऑन टीवी, टीवी पे एक मूवी देखिए, तो ये हमारी अन्य जानकारी हो गई। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने ये देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार के होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में हमने ये देखा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस हैं वो कैसे बनते हैं। अब हम अपने
इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हम ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऑप्टेटिव एक नया प्रकार का सेंटेंस होता है। सामान्यतः जब हम कक्षाओं में पढ़ते हैं तो हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है और क्योंकि जब हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को पढ़ ही रहे हैं तो हम इन्हीं को भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसा सेंटेंस, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर, ऐसा सेंटेंस जो कोई विश यानी शुभकामना या जो हमारे लिए शुभ की कोई कामना करता हो, इसका अपोजिट भी हो सकता है, कोई हमारे लिए कर्स अभिशाप, कर्स यानी अभिशाप, उसकी बात भी हो सकती है, या कोई ऐसी इच्छा हो हमारी डिजायर। कई बार हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, या इस प्रकार से हम बोलते हैं हैप्पी दीपावली, ईद मुबारक, या हैप्पी होली, या हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा होती है कि हैप्पी होली का मतलब यह है कि आपके लिए होली का त्यौहार है वो खुशियाँ लेकर आए, हैप्पी दीपावली का मतलब यह है कि दिवाली का त्यौहार आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। इसी प्रकार से जैसे गुड मॉर्निंग का मतलब है कि आज की मॉर्निंग आपके लिए गुड हो, अच्छी हो, शुभ प्रभात भी हम हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पे कोई ऐसी इच्छा हो या कोई हमारी अभिलाषा हो तो वहाँ पे हम ऐसे सेंटेंस काम में लेते हैं। जिस प्रकार से देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम किसी के लिए शुभ की कामना करते हैं, हो सकता है इसका अपोजिट भी हो या कोई हमारी ऐसी इच्छा हो, तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले सामान्यतः, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर रोज़ या हमेशा, सामान्यतः सबसे पहले हम मे लगाते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाते हैं। इसमें सब्जेक्ट कई बार अंडरस्टूड भी होता है, हम उसे लिखते नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने उस व्यक्ति का नाम न तो लिखा है और न बोला है, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है तो वो पहले से अंडरस्टूड है, इसलिए उसको कई बार लिखा भी नहीं जाता है। और उसके बाद में वर्ब और उसके बाद हमारी जो एडवर्बियल है वो आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा एडवर्बियल, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें आएगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी, मे यू पास योर क्लास, मे यू विन द मैच, गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम कोई कामना व्यक्त करते हैं या कोई शुभ की कामना करते हैं, कोई हम आवश्यकता उसका अपोजिट भी हो, हम बुरे की कामना करें या हमारी ऐसी कोई इच्छा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सामान्यतः सबसे पहले इसमें मे लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, कई बार मे और सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड रहता है, उसके बाद हमारी वर्ब आती है, और कई बार वर्ब होती भी नहीं है वो भी अंडरस्टूड होती है, और उसके बाद में हमारा एडवर्बियल आ जाता है। तो अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस देखने के बाद हम अपने जो अगला जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी वो हम देख लेते हैं। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी जिसे हम हिंदी में विषय में बोधक कहते हैं, हम हिंदी में क्या कहते हैं, विषय में बोधक, ऐसा एक निशान होता है, एक पूर्ण विराम की तरह निशान होता है और नीचे उसके फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो विषय में बोधक होते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी हमें कोई आशा नहीं थी, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी हमें कोई आशा नहीं थी, और उन घटनाओं को देखकर हम बड़े कई बार सरप्राइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी हमें, जिनकी भी हमें बिल्कुल ही आशा नहीं थी,
और वो घटनाएं हमें बहुत ही दुख दे जाती हैं, वो हमें बहुत ही क्या करती हैं, शॉक्ड, हमें बड़ा ही दुख पहुंचाती हैं। उन्हें सुनकर, उन्हें देखकर हमें बड़ा दुख होता है। और कई बार हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं हमारे जीवन में जिन्हें देखकर या जिन्हें सुनकर हमें बड़ी खुशी होती है, हमें क्या होती है, बड़ी खुशी होती है, और उसे बोलते हैं डिलाइटेड। तो जीवन में ऐसी घटनाएं जिन्हें देखकर या जिन्हें सुनकर हमें बड़ा कोई आश्चर्य हो, हमें कोई दुख हो या हमें कोई खुशी हो, और अचानक से उस बोले गए सेंटेंस को या उस बोले गए वक्तव्य को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हुआ, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज सरप्राइज, ऐसा सेंटेंस जो कोई आश्चर्य को व्यक्त करे या किसी दुख को, शोक को व्यक्त करे या किसी डिलाइटेड या खुशी खुशी को व्यक्त करे, या सडनली कोई आश्चर्य हो, सडनली कोई दुख हो जाए या सडनली कोई खुशी हो जाए अचानक, तो ऐसे सेंटेंसों को हम क्या बोलते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बोलते हैं। देखिए इनकी, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी बगीचे में जा रहे हैं और हमें बड़े ही सुंदर फूल दिखाई देते हैं, हो सकता है कि ऐसे फूल हमने पहले कहीं नहीं देखे हों, तो हम उन फूलों को देखते ही हमारे मन में क्या भाव आएंगे, अरे वाह कितने सुंदर फूल, अरे वाह कितने सुंदर फूल, तो हम कहेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, और मार्क ऑफ इंटरोगेशन हम लगा देंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, हम बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें कुछ ऐसे शब्दों को भी हम लगा सकते हैं, वाव ऐसा शब्द भी हम इसमें लगा सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम एक मैच खेल रहे हैं और हम मैच ऐसे मोड पे पहुंच चुका है जहां हमारे जीतने की संभावना बहुत कम हो चुकी है, और मान लीजिए कि पासा ऐसे पलटता है कि हम मैच को जीत जाएं, तो हमें खुद आश्चर्य होगा या हमें बड़ी खुशी होगी। तो ऐसे सेंटेंस में देखिए, हुर्रा, हुर्रा लगा के हम एक ऐसा मार्क ऑफ एक्सीलेंस लगा देंगे, वी हैव वन द मैच, कि जीतने वाले को भी बड़ा आश्चर्य हुआ है, बड़ी खुशी हुई है कि उसे पता ही नहीं था, उसे इतनी इस बात की संभावना ही नहीं थी कि वो जीत सकता है, फिर भी वो जीत गया, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। यहाँ देखिए आश्चर्य, यहाँ पर देखिए आश्चर्य। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई दुखद घटना होती है, हम किसी आदमी के बारे में बड़े ही शुभ की कामना करते हैं और वो हमें बहुत ही प्रिय हो, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि उसकी कोई डेथ हो जाए या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकता था, लेकिन जब हमने उसका रिजल्ट देखा तो हम भौसंके रह गए, हम क्या कहेंगे, अल्लास ही इज नो मोर, अल्लास बड़े दुख की बात है कि वो नहीं रहा, अल्लास ही इज नो मोर, ये तो बड़े दुख की बात है कि वो यहां यानी अब वो जिंदा नहीं रहा। इसी प्रकार से देखिए, वाव ही हैज टॉप्ड द क्लास, अरे वाह उसने क्लास को टॉप किया, हमें तो पता ही नहीं था कि वो इतना होशियार है, हमें इस चीज की संभावना ही नहीं थी, फिर भी जब हमने उसका रिजल्ट देखा तो देखिए वो पास हो गया, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी खुशी भी हुई साथ ही साथ। तो ऐसे सेंटेंस जो हमें कोई आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, कोई बड़ा दुख व्यक्त करने के लिए या खुशी व्यक्त करने के लिए बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस के आगे एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज सरप्राइज शॉक डिलाइटेड, तो ऐसे सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ज़्यादातर उसमें क्या होता है, इस प्रकार के अल्लास, हुर्रा, वाव, इस प्रकार के एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसमें सामान्यतः हाउ या व्हाट भी लगाया जाता है, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता है, ये थोड़ा ध्यान दें।
और उसके बाद में हमारा जो एडवर्बियल होता है वो लगा दिया जाता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इस प्रकार के हमारे सेंटेंस आ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, इसका एक हम क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने आज के वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, और हम ये भी देख लेंगे कि पिछले वीडियो में भी हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले दो वीडियो में हमने जो अपने असर्टिव सेंटेंस हैं, असर्टिव सेंटेंस, और वो दो होते हैं, एक होता है हमारा अफर्मेटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। इन दोनों की सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हमने चर्चा की इन पिछले दो वीडियो में, और आज के वीडियो में हमने अपने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हैं उन पे चर्चा की कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। उसके बाद हमने इंपेरेटिव सेंटेंस पे चर्चा की कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस मुख्य क्रिया से शुरू होता है और क्रिया इन्फिनिटिव के रूप में या बेस फॉर्म के रूप में काम में आती है। उसके बाद हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस पे चर्चा की कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो कोई इच्छा या किसी कामना को व्यक्त करने के लिए काम आते हैं, डिजायर या विश को, वो सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है हमने चर्चा की। और उसके बाद में हमने एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हैं उन पर चर्चा की कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, उनके आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगता है। और ऐसे सेंटेंस सरप्राइज, शॉक या डिलाइटेड या खुशी, दुख या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए ये सेंटेंस काम में आते हैं। तो हम आगे वाले वीडियो में फिर अपनी जो टेंसों की जो सीरीज है उसको चालू रखेंगे। और हमने टेंसों की सीरीज के बीच में दो वीडियो हम इसलिए लेकर आए क्योंकि जब हम टेंसों को पढ़ेंगे, अपने जो 12 टेंसों को वन बाय वन पढ़ेंगे, तो हमें बीच में बार बार हमें सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। और जब तक अगर हम सेंटेंस को बनाना नहीं सीख लेते तब तक हमारे लिए टेंसों का कोई महत्व नहीं है। हम एक वीडियो देख लें चाहे 50 वीडियो देख लें, कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें सेंटेंस जरूर बनाने होंगे। तो सेंटेंस कैसे बनाएं इस पर हम दो वीडियो में बीच में चर्चा की टेंसों की सीरीज में, तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। तो आगे की वीडियो में हम अपने टेंसों की सीरीज को फिर चालू रखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।